आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। सुन लीजिए ना, अरे उसके प्रश्नकाल के बाद सुनेंगे ना। तो इसी प्रश्न में वो प्रश्न खत्म हो चुका है। इसी प्रश्न में हमारी ओर इशारा किया था, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम भी लिया है, वो बहुत आपको बहुत लेट याद आया, खत्म हो चुका। मैं तो तभी गया, फिर कहा था अभी तक नहीं। लेकिन आपने समय नहीं, आप कहाँ खड़े हुए उसी समय मैं समय देता हूँ। मैं सोच रहा था आप उठोगे, लेकिन आप उठे नहीं। नहीं, नहीं आपने हमारी तरफ निगाह ही नहीं करी। अरे हमारे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसीलिए आजान मुझे आपकी तरफ मिले। तो देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। पाड़े जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं ना कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहां पर बैठे और यहां के बाद हम यहां पर बैठे, इसके बाद यहां यहां बैठ गए। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया। दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी। और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर, ठीक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे।